हर साल कम से कम एक बार तो अपना लेह लद्दाख या स्पीति या हिमालयाज में कहीं राइड करने का प्लान ज़रूर बनता है। और जब भी प्लान बनता है ना, एक सवाल हमेशा आता है, फिर से उसी रास्ते से अपनी बाइक ले के वहाँ तक जाना या वहाँ पे जाके बाइक रेंट पे लेना। ये सवाल ऐसा है ना कि जिसका सही एकदम एक्यूरेट जवाब शायद किसी को कभी मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक बेसिक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी ये डिसाइड करने में कि आपको अपनी बाइक राइड करके लेके जानी है या वहां पे जाके बाइक रेंट पे लेनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल एज आई सेड, सिर्फ फर्स्ट टाइम हिमालयाज में जाने वालों के लिए नहीं, लेकिन हम जैसों के लिए जो हर साल जाते हैं ना, उनके लिए भी हर साल ये सवाल होता ही है, बाइक अपनी खुद की लेके जानी है या वहाँ जाके बाइक रेंट पे लेनी है। तो इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक्चुअली बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे इमोशनल अटैचमेंट, कंफर्ट जोन वगैरह, लेकिन उनमें से कोई भी फैक्टर्स हम इस वीडियो में कंसीडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। उसका कोई भी एक पर्टिकुलर जवाब मैं या कोई भी यूट्यूबर आपको दे नहीं सकता। तो जिस बारे में हम बात करेंगे वो है पैसा। पैसे के मामले में आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी बाइक ले जाने के बारे में। तो अपनी बाइक अगर आपको लेके जानी है तो उसमें दो ऑप्शंस है, या तो आप उसको पार्सल या ट्रेन से लेके जा सकते हो, मतलब ट्रेन में पार्सल, या फिर बाय रोड कार्गो से। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप खुद राइड करके लेके जा सकते हो। इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है ना, वो तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है अपने लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने लद्दाख राइड किया था तब मैंने मुंबई से अमृतसर और रिटर्न में चंडीगढ़ से पूना, दोनों टाइम पे मेरी एवेंजर और हमारे साथ और भी कुछ बाइक्स थी, सारी बाइक्स हमने ट्रेन में से पार्सल की थी। लेकिन जिस तरह से वो लोग वो बाइक्स को हैंडल करते हैं ना, वो देखने के बाद फिर कभी मुझे उस रास्ते पे जाने का मन इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं होगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। हाँ, कोई अगर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कुरियर सर्विस जो आपको एकदम रिलायबल लगता है, वो आपकी बाइक को एकदम सेफली गारंटी के साथ आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचा सकता है, तो आप वो ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन ट्रेन वाला ऑप्शन जो है ना, वो मेरे लिए तो आउट ऑफ बाउंड्स है, फिर कभी नहीं लूँगा मैं। बिकॉज एक तो बाइक डैमेज होने के चांसेस, फिर जिस तरह से वो लोग हैंडल करते हैं ना, लिटरली फेंकते हैं बाइक को ट्रेन के अंदर और बाहर, इट वॉज पथेटिक। लकीली हर टाइम लोडिंग के टाइम पे हम लोग साथ में खड़े रहते थे उनके, फिर हर स्टेशन पे हमें जहाँ उन्होंने बताया था कि ये स्टेशन पे ये कंपार्टमेंट्स खुलने वाले हैं कार्गो के, तो हर उस स्टेशन पे हम लोग अपना सामान छोड़ के उतर के वहाँ पे जाते थे, देखते थे कि भाई कोई अपनी बाइक को मिसहैंडल तो नहीं कर रहा है। इतना सब करने के बावजूद भी एक बाइक में डेंट्स आए थे, एक बाइक का मिरर टूट गया था, और ये सब रिस्क नहीं लेना है यार, मतलब पॉइंट नहीं बनता। अगेन वो इमोशनल अटैचमेंट का पॉइंट आ जाता है, अपनी बाइक को इस तरह से किसी के हाथ में नहीं देना है। अगेन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी बाइक में फ्यूल इंजेक्टर है तो जिस तरह से अपने यहाँ पे बाइक का टैंक एम्प्टी किया जाता है ना, पेट्रोल ऑन रख के बाइक चालू करके छोड़ देते हैं जब तक वो ड्राई रन होके पूरा बंद नहीं पड़ जाती, दिस इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर को डैमेज हो सकता है। और अगर इस पूरे प्रोसीजर में फ्यूल इंजेक्टर डैमेज हो गया ना, तो आपकी ट्रिप की तो वाट लग ही जाएगी, और बिसाइड सर आपको कम से कम 15-20 हज़ार का खर्चा आएगा वो अलग। तो मेरे लिए अब दो ही ऑप्शन है, जहाँ भी जाना है या तो अपनी खुद की बाइक चला के लेके जाना है या वहाँ पे जाके वहाँ से बाइक रेंट करनी है। तो इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा फाइनेंशियली, ये यहाँ से आगे हम देखेंगे। इस डिस्कशन के लिए हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे स्पीति वैली सर्किट राइड का, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप कोई भी राइड के लिए ये सेम कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मुझे स्पीति वैली की सर्किट राइड करनी है चंडीगढ़ से शिमला होते हुए काजा मनाली बैक टू चंडीगढ़, ये राइड अगर मुझे करनी है तो ये राइड स्टार्ट और एंड होती है चंडीगढ़ में, और मेरा जो कम्यूट है राइड के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तक का, वो है मुंबई से चंडीगढ़, आपकी अपनी सिटी से चंडीगढ़ जो भी होगा। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं खुद की बाइक ले जाने का, तो खुद की बाइक ले जाने के लिए मेरा जो प्लान रहेगा मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से अजमेर या किशनगढ़, और वहाँ से चंडीगढ़, मतलब 3 दिन जाने के लिए और 3 दिन आने के लिए, 6 दिन का मेरा अपना खर्चा, मेरी पिलियन का खर्चा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंसिडर करूँगा पिलियन के साथ ही, क्योंकि प्रियंका हमेशा मेरे साथ राइड करती है। तो जो हमारा खर्चा आएगा वो रहेगा 1000 रुपीज़ पर डे पर हेड, जो मेरा एक जनरल हिसाब रहता है, उस हिसाब से 6000 जाने का, 6000 आने का, 12000 रुपया हमारा खर्चा। 1600 किलोमीटर वन वे राइड है, मतलब 3200 किलोमीटर्स का फ्यूल कॉस्ट, जो अगेन आपकी अपनी बाइक के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे लिए बेनेली TRK 502 के लिए आज की तारीख में वो खर्चा होगा
अराउंड 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर, मतलब मुझे पेट्रोल के लिए 14-15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। और उसके अलावा अगर मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ तो पूरी राइड के किलोमीटर्स के हिसाब से मुझे सर्विस कॉस्ट भी पकड़ना पड़ेगा। लेट्स से 5,000 या 5,500 किलोमीटर की ये राइड होगी तो मेरा एक सर्विस कॉस्ट जो इसका अराउंड 7,500 रुपीज़ है वो खर्चा मुझे आएगा। मतलब मेरा जो एक्चुअल खर्चा है चंडीगढ़ से चंडीगढ़ तक की इस राइड के अलावा वो खर्चा होगा अराउंड 33 से 34,000 के बीच, राइट। फिर चंडीगढ़ से आगे का जो खर्चा है वो तो जितने दिन का राइड होगा वो दोनों केसेस में मुझे उतना ही खर्चा आएगा, जितने जितना फ्यूल जाएगा वो दोनों केसेस में खर्चा आएगा। तो उसका कंपैरिजन हमें अभी करना नहीं है क्योंकि ट्रिप कॉस्ट अपने को कंपेयर नहीं करना है। अपने को कंपेयर क्या करना है, बाइक अपनी लेके जाना है या वहाँ से रेंट पे लेना है। फॉर दिस डिस्कशन अभी ये पॉइंट अपने हाथ में रखते हैं कि अगर मुझे अपनी बाइक मुंबई से चंडीगढ़ तक लेके जानी है स्पीति वैली सर्किट राइड के लिए तो मुझे अपनी बाइक वहाँ तक ले जाने का और वापस लाने का जो खर्चा है वो आएगा 33 से 34,000 के बीच। नाउ लेट्स कंसिडर अगर इसके बदले मैं चंडीगढ़ से बाइक रेंट पे लेने की डिसाइड करता हूँ तो मुझे कितना खर्चा आएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको वहाँ पे जाके कौन सी बाइक लेनी है रेंट पे। अगर आपको एवेंजर या पल्सर वगैरह बाइक लेनी है तो वो 900 या 1,000 रुपीज़ पर डे से भी मिल जाती है। अगर आपको क्लासिक 350 या बुलेट वगैरह ये बाइक लेनी है तो 1,200-1,300 रुपया। हिमालयन अगर लेनी है तो 1,400 या 1,500। अगर एकदम नई बाइक है तो लेट्स से 1,600-1,700 पर डे के रेंज में आपको, ये रेंटल में आपको बता रहा हूँ, इस रेंट पे आपको बाइक वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपका जो राइड का डेली एक्सपेंस होने वाला है उसमें आपको इतना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा जो आपको अपनी बाइक के साथ नहीं आने वाला। अगर आप खुद की बाइक लेके जाते हो तो दिन का 1,500 रुपये भाड़ा किसी को देना नहीं है आपको। तो इन दिस केस अगर आपका 6 या 7 दिन का राइड है चंडीगढ़ से चंडीगढ़ तक का तो आपको 7 दिन का 1,500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, मतलब 10,500 रुपीज़ रेंट आएगा जो आपको अपनी बाइक के साथ नहीं आने वाला। इसके अलावा मुझे मुंबई से चंडीगढ़ और रिटर्न इस जर्नी का खर्चा आएगा। अगर मैं ट्रेन से जाता हूँ एसी का टिकट लेके तो 1,500 रुपये के आसपास टिकट रहेगा वन वे, मतलब 3,000 रुपया पर हेड दो लोगों का, 6,000 रुपया वो खर्चा होगा। अगर मैं फ़्लाइट से जाता हूँ तो मेरे ख्याल से 4,000-4,500 रुपये का एक टिकट है, मतलब दोनों का जाने आने का मिला के 15,000 रुपया वो खर्चा आएगा। और इसके अगेंस्ट अगर मैं अपनी बाइक लेके जाता हूँ तो मुझे 3 और 3 6 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब जो राइड मेरी 8 या 9 दिन में ख़त्म होने वाली है इफ़ आई गो बाई फ्लाइट, वो राइड मेरी 15 दिन चलेगी इफ़ आई गो बाई माई ओन बाइक। तो अगर मुझे अपना टाइम बचाना है तो मैं फ़्लाइट से जाऊँगा तो फ़्लाइट का मेरा टिकट अगर आएगा 15-16 हज़ार और 10-11 हज़ार रुपया मेरा बाइक का रेंटल, मतलब 25 से 26 हज़ार रुपया मेरा वो खर्चा होगा। वेरैज ये खर्चा मेरा होगा 33 से 34,000 रुपीज़ अगर मैं अपनी बाइक लेके जाता हूँ, प्लस मुझे 6 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। सो एज ऑफ नाउ जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि 7 दिन का स्पीति वैली सर्किट अगर मुझे करना है चंडीगढ़ से चंडीगढ़ तक 7 दिन, तो उसके लिए मुझे अगर मैं अपनी बाइक लेके जाता हूँ तो अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाएंगे प्लस 6 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे। सो दिस क्लियरली सेज कि मुझे वहाँ पे जाके बाइक रेंट पे लेना ज़्यादा सही पड़ेगा क्योंकि एक तो मेरे 6 दिन बचेंगे और दूसरी बात 7,000-8,000 रुपया मेरा खर्चा भी कम आएगा। ये कैलकुलेशन चेंज कब होगा मालूम है, जब मेरा राइड 10-12 दिन के ऊपर का है एक्चुअल राइड, मतलब अगर मुझे चंडीगढ़ से बाइक लेके स्पीति वैली करके लेह लद्दाख भी करके वापस आना है, मुझे 15 दिन वहाँ पे घूमना है, तो इन दैट केस मेरा जो अपनी बाइक का खर्चा है वो 33,000 रुपीज़ वहीं पे रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जो 6 दिन एक्स्ट्रा लगने वाले हैं वो भी वहीं पे रहने वाले, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन 7 दिन की जगह अगर मैं 15 दिन एक रेंटेड बाइक लेके चलाता हूँ तो उसका रेंट जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब जो 10,500 रुपीज़ हमने कंसिडर किया था उसकी जगह पे मेरा 20-22 हज़ार रुपया रेंटल में चला जाएगा। और फिर उस केस में ये कैलकुलेशन ऐसे बन जाएगा कि मेरा रेंटल और खुद की बाइक का जो खर्चा है ना वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इन दैट केस आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टेकिंग माई ओन बाइक क्योंकि खर्चा तो उतना ही आने वाला है, खुद की बाइक लेके जाऊँ तो भी और वहाँ से रेंट पे बाइक लूँ तो भी। और दूसरी बात ये भी है कि फिर अपनी बाइक पे मैं कंफर्ट जोन मेरा ज़्यादा रहेगा, इमोशनल फैक्टर रहेगा कि मैं खुद की बाइक इन एक्सट्रीम टेरेंस पे चला रहा हूँ। एंड बिसाइड्स दैट 15-16 दिन अगर मुझे एक्सप्लोरेशन करना है तो उसके लिए 6 दिन कम्यूट राइड करना इज़ एक्सेप्टेबल। 7 दिन की राइड के लिए 6 दिन एक्स्ट्रा निकालना सिर्फ वहाँ पहुँचने के लिए और वापस आने के लिए, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था क्योंकि मेरा राइड टाइम एक्चुअली डबल हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ ये पूरा एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सोच के डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फैक्टर सही बैठ रहा है उस पर्टिकुलर राइड के लिए। आपका राइड का आइटिनरी क्या है और उसके हिसाब से कितने दिन का आपका प्लान है ये आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किसी एक राइड के लिए आपको रेंटेड बाइक्स ज़्यादा
प्रेफरेबल लगेगा और किसी दूसरे राइड के लिए आपको खुद का बाइक लेके जाना प्रेफरेबल लगेगा. सो इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू हैव टू गो देयर एंड रेंट योर बाइक, एंड इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू हैव टू टेक योर ओन बाइक. आपको ये डिसीजन हर राइड के टाइम पे लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर राइड के लिए मेरे लिए क्या सही है. मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कोई भी एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का, लेकिन आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि आपकी नेक्स्ट राइड पे आपको खुद का बाइक लेके जाना है या वहाँ जाके बाइक रेंट पे लेना है. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपको पता है क्या करना है, शेयर इट अक्रॉस, लाइक करो, कमेंट करो कि आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा. आपको अगर आपके कोई सजेशन है इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, या फिर इन जनरल किसी भी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है काउंटिंग किलोमीटर्स पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ. एंड टिल द टाइम द सिचुएशन इम्प्रूव और फिर से ट्रैवल करने की परमिशन मिल जाए, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई कहानी के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.